चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक करें सरकारी जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस एमटीएस का रिजल्ट कब आने वाला है इसी दिन के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो मैंने लाया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने में मिलेगा कि इस पोस्ट के लिए रिजल्ट कब आने वाला है, साथ में कट ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट, ग्रुप सी एक्सपेक्टेड आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इस अभी तक इस विषय में जो भी जानकारी हमें मिला है इस पोस्ट का, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने में मिलेगा, जिसलिए दोस्तों आपको वीडियो को फुल्ली देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तब भी आपको वीडियो को फुल्ली देखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा उन सभी दोस्तों के लिए जो दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और बेल को दबाना मत भूले। और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सभी दोस्तों के लिए जो दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। दोस्तों चलिए, इस समय आप जो पेज देख रहे हैं वो jobsandhan.com का लोगो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस वेबसाइट का एक पेज में ओपन करके मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ और बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस पेज का हम अभी नीचे जाते हैं। तो दोस्तों नीचे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा कि एक हेडलाइंस, वुड यू लाइक टू नो अबाउट कट ऑफ मार्क्स इन द पोस्ट योर्स दिल्ली पुलिस एमटीएस मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है इस तरह का कुछ हेडलाइंस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस ईयर देयर विल बी ए लॉट ऑफ दिल्ली पुलिस एमटीएस फ्रॉम रिजल्ट 2019 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। दोस्तों प्रीवियस ईयर में आपका इस पोस्ट के लिए कट ऑफ मार्क यानी कि मेरिट लिस्ट कितने परसेंट तक का आया था यहाँ पर इसको दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जनरल के लिए 39th तक परसेंटेज तक आपका आ सकता है, साथ में इस ईयर में ओबीसी के लिए 38% तक, एससी एसटी के लिए 35 तक आ सकता है, कुछ इस तरह का एक्सपेक्टेड यहाँ पर दिया गया है। jobsandhan.com का जो पेज आप देख पा रहे हैं उसी में ही आपको बताया जा रहा है। तो चलिए और डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस रिजल्ट 2019 रिलीज्ड फ्यू मोर डेज, यानी कि दोस्तों आपको देखने में पता चल रहा है कि बहुत जल्दी ही आपका इस पोस्ट के लिए रिजल्ट को पब्लिश कर दी जाएगी। अभी तक तो कोई ऑफिशियल कोई खबर हमें तो मिला नहीं है, मिलते ही आपको तुरंत खबर दे दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए, इस पोस्ट का और भी कुछ डिटेल्स है जो आपको बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आप फुल्ली देख सकते हैं, जो कि सबसे पहले पूरा आपको एक बॉक्स में कहा जाए तो पूरा बॉक्स में 10 पोस्ट है, यानी कि पोस्ट नेम, साथ में वैकेंसीज वाइज पोस्ट नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला वाला जो बॉक्स है माली के लिए 16 पोस्ट, बदाई के लिए 7, धोबी के लिए 68, ऐसे ही कुछ तरह का पोस्ट जैसे कि आपको देखने में मिल रहा है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कुछ डिटेल्स आपको बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इस पोस्ट का रिलेटेड है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों नीचे जाने के बाद और एक हेडलाइंस आपको दिखने में मिल जाएगा, जहाँ पर दिल्ली पुलिस एमटीएस रिजल्ट का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप हेडिंग्स में देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ऑफ डीपी हैज अनाउंस्ड टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट एज विल एज द ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपका एक एग्जाम को लिया जाएगा जिसका नाम है ट्रेड टेस्ट। एट फर्स्ट देयर विल बी 100 मार्क्स रिटेन, अर्थात दोस्तों आपका जो रिटेन टेस्ट होगा वो 100%, यानी कि 100% मान पे लिया जाएगा। दैट विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड ओएमआर आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, यानी कि आपको यहाँ पर सीधे से बताया गया है
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है, OMR आंसर शीट में आपको ये फिलअप करना है। तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो इस नौकरी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं होंगे, तो आपको पता चल चुका है OMR शीट क्या है। एक मार्कशीट है जहाँ पर आपको फिलअप करना होगा होता है। तो आफ्टर, खैर आज का और एक कुछ डिटेल्स, जो आफ्टर दिस टेस्ट आंसर कीज विल बी अपलोडिंग इन द ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाकर और भी कुछ मेरिट लिस्ट के विषय को लेकर जानकारी मिल जाएगा, जिसलिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट। आप तो यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, जिसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप तुरंत एक्सपेक्ट जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर DP रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का आप देख सकते हैं DP, साथ में पोस्ट नेम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा गया है, और साथ में पोस्ट के लिए दिया गया था, रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया था। रिजल्ट डेट जो कि अभी तक छोड़ा तो नहीं गया है ऑफिशियली, जो कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा गया था, इस पोस्ट के लिए कब रिजल्ट दिया जाएगा अभी तक कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं किया गया है। घोषणा करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। सिलेक्शन बेस्ड ऑन जो कि रिटर्न टेस्ट की द्वारा आपको इस पोस्ट के लिए चुना जाएगा, और वेबसाइट जो कि सरकारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट का जो जरूरी कुछ इंपॉर्टेंस लिंक्स होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और कुछ डिटेल्स जो कि आज का मेन विषय है, रिजल्ट डेट का है आज का, इसलिए ही आपको वीडियो के लिए मैं लाया है। रिजल्ट डेट जो है वो है, रिजल्ट डेट के विषय को लेकर बात करने से पहले आपको ये बता दिया जाए, सामने वोट है यानी कि इलेक्शन जो पड़ा हुआ है, बहुत हाई इलेक्शन है। इसका ख़त्म हो ना होने तक आपका रिजल्ट पब्लिश करना जस्ट नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि इस पोस्ट के लिए रिजल्ट पब्लिश तभी करेंगे डिपार्टमेंट ने जब डिपार्टमेंट में काम होगा, यानी कि जब तक वोट चल रहा है तब तक आपका कोई भी इस पोस्ट के लिए रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा करने वाला है, यानी कि डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है रिजल्ट पब्लिश करना बोर्ड की सिलसिला चलने तक। मई आएगा, उसके बाद जून जुलाई में आपका इस पोस्ट के लिए रिजल्ट कब दी जाएगी ऑफिशियली पब्लिश कर दी जाएगी, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आया है। तो ऑफिशियली कोई घोषणा करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस विषय में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, जो कि आपको इस पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिशिंग डेट की विषय को लेकर भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। वाशरमैन, ट्रेलर, दफ्तरी, माली, कुछ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर MTS की इस पोस्ट जो है, कट ऑफ मार्क्स 2019 एक्सपेक्टेड, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस का जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं jobsonline.com के थ्रू से दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो और एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बताना चाहूँगा इस समय, कैटेगरी बेस्ड कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली पुलिस इस पोस्ट के लिए, टास्किंग मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पोस्ट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MTS रिजल्ट 219, रिटेन टेस्ट या आउट ऑफ 100 एग्रीगेट ऑफ मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ मार्केट में यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है। 100% मान पे आपका परसेंटेज हर एक कैटेगरीज में 40 तक दिया हुआ है, जो कि जनरल OC UR के लिए 40, SC ST PWD के लिए 40 और OBC के लिए 40। नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं टेट ट्रेड टेस्ट के लिए 20% मान आउट ऑफ 20 में दिया हुआ है, जो कि हर एक कैटेगरी में 10% मान पे दिया हुआ है। जनरल OC सेम प्रोसेस में, रिटेन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में सेम प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि आउट ऑफ 20 ट्रेड टेस्ट है और आउट ऑफ 100 रिटेन टेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की कुछ आपको देखने में मिल सकता है, जो कि इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, जो दोस्तों ने स्टार्टिंग हुआ था 2017 में, दिसंबर 17 तारीख में एप्लीकेशन भरने का स्टार्टिंग हुआ था, और एंडिंग डेट जो था जो है 2018 में जनवरी 16 तारीख तक, यानी कि आपको हाथों में प्राय 30 दिन का समय था। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। इस पोस्ट का रिक्रूटमेंट का भी एक वीडियो मैंने दिया था, आशा करते हैं आप सभी लोग ने देख लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर में आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं।
दोस्तों इस विषय में और भी कुछ जानकारी आपको बताना है तो जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल जनरल अवेयरनेस, साथ में करंट अफेयर्स के लिए 50% मान पे लिया जाएगा, साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25% मान, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25, टोटल कुल मिलाकर होता है रिटन टेस्ट का जो 100% मान पे आपका इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नीचे जाने के बाद दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन तो अभी तक हमें नहीं है, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इस विषय में और भी कुछ जानकारी अगर हमें मिल जाए तो ऑफिशियली अगर कोई अनाउंस्ड कर दी जाएगी, जब भी किया जाएगा ऑफिशियली कोई खबर हमारे पास मिलते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अच्छा रहना, और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, आप में से जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सरकार के द्वारा जॉब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अगर जानना है तो आपको अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबा देना है। और एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों के लिए और एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा जो दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। ठीक है दोस्तों।